सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चौरस वी गला बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक चेपी टिकन लेना है। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं बताती हूँ कि गला किस तरह बनाते हैं। इसके लिए ये मैंने चेपी टिकन लिया है। मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, जिसकी एक जो साइड है वो शाइनी है, चमकीली, और दूसरी सिंपल। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। ये मैंने चेपी टिकन लिया है। इसको आपने यूं एक तह लगा लेनी है। ये देखें, चमक वाला साइड अंदर, इसको मैंने यूं तह लगाई। तह लगाने के बाद आपने अपने हिसाब से देख लेना है, लेकिन जो आम तौर पर गले का साइज होता है वो मैं आपको वो बताऊंगी। ये मैंने 5.5 इंच इसकी डेप्थ है साइड वाली से, और ये जो 6 है वो मैंने अंदर से डीप नेक का लिया। यहाँ से 6.5 इंच, यहाँ से 5.5 लेने के बाद आपने इसको यहाँ तकरीबन ये 3.5 है, आपने इसको तिरछी लाइन लगानी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 5.5 पर आपने यूं एक सीधी लाइन लगानी है, जैसे एक चौरस गला बनाते हैं। बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह अंदर की तरफ ले जाना है, ये सीधी एक लाइन। 3.5 पर ये आपने लेना है, 5.5 पे ये है, और ये 6.5 के। इसी तरह आपने इसको क्या करना है, ये एक आपने बाहर की तरफ लाइन लगा देनी है, और ये एक आपने अंदर की तरफ लगानी है। इसकी कटिंग मैं बताने लगी हूं आपको। मेजरमेंट यहां से 5.5, यहां से 6.5, और बाहर की तरफ से यहां से ये 5 इंच है। इस तरह आपने तिरछी रखकर बाहर की तरफ लाइन, और इसी तरह एक अंदर। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये देखें, जब आपके पास इस तरह ये बन जाए तो आपने इसकी अंदर की तरफ की कटिंग कर लेनी। ये देखें, ये जो मैं कटिंग कर रही हूं, एक्चुअली ये आपके गले का साइज है। बाहर वाला तो हमने सिर्फ इसकी जो बॉर्डर है वो बनाएंगे, अंदर से ये इसका साइज है जिसकी मैं कटिंग कर रही हूं। ये एक्चुअल में हमारा गला है, जो चकोर भी हमने बनाना था। अब हम इसको कपड़े पर चस्पा करेंगे। इसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया, जिस शर्ट पे मैंने ये गला बनाना है उसी शर्ट का मैंने बचा हुआ ये कपड़ा यूज किया है। अब मैं क्या करूंगी, ये देखें, इसकी शाइन वाली साइड इस तरफ और ऊपर बगैर शाइन के। अब हम इसको गर्म इस्त्री के साथ चिपका लेंगे। इस साइड से चिपकाने के बाद एक तरफ, दूसरी साइड से इसको प्रेस करेंगे। अब जिस शेप का गला होगा उसी शेप की हम कटिंग करेंगे। कटिंग कर ली अब हमने। अब हमने जिस तरफ इसकी शेप है उसी शेप की तरफ इसकी फोल्डिंग। ये मैं आपको अपनी पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जिस शेप का गला होता है उसी शेप के मुताबिक आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग के बाद आपने इसका सेंटर करना है। सेंटर करने से ये फायदा होगा कि आपका गला अपनी जगह पर रहेगा, ये आड़ा या टेढ़ा नहीं आएगा। जिस तरह मैंने गले का सेंटर किया है, ये देखें, आपको ये लाइन नजर आ रही होगी। मैं आपको चौक के साथ और वादिया कर देती हूँ।
इससे आपका गला आड़ा या टेढ़ा नहीं होता। जिस तरह मैंने इसका सेंटर किया है उसी तरह मैं इसकी शर्ट का भी गला सेंटर करूंगी। ये देखें, ये मेरी शर्ट है जिसको मैंने सीधी साइड का सेंटर लेना है। अंदर इसकी उल्टी है और बाहर सीधा। सीधा साइड को मैंने यहां से इसके शोल्डर मिलाकर यूं सेंटर कर लिया। इसके बाद आयरन। अब हम इसको खोलेंगे। ये देखें, अब ये जो लाइन है ये इसका सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला गला लेंगे जिस पे हमने ये चेपी टिकन लगाया है, इसको इसके इसी लाइन के ऊपर इस लाइन को रखकर, इसी लाइन पे मैंने ये रखा है इक्वल लाइन। अच्छा, शर्ट की आपने सीधी साइड लेनी और गले की उल्टी साइड, इसकी सीधी शर्ट की और गले की उल्टी साइड जब आप लेंगे। जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पर या तो सिलाई लगा लें या कोई पिन के साथ इसको अटैच कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर इनर साइड पर बिल्कुल एज पर ये वाले हिस्से पर हम क्या करेंगे, सारी जिस शेप का गला है उसकी सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ से कटिंग करेंगे 1 इंच का रखकर तकरीबन, और फिर इसको उल्टा देंगे। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। यहां से सिलाई लगाऊंगी एक पैर के वक्फे के साथ। अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करेंगे। अब इस सेंटर को शर्ट के सेंटर के साथ आपने करके, जैसे ये मैंने यहाँ पर पिंस लगाई हैं, जो बिगनर्स हैं वो इस तरह पिंस लगा सकते हैं। अब हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ एजेस पर। कटिंग करेंगे, ये देखें इतने वक्फे पर रखकर तकरीबन आधा इंच आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ये भी उसी शेप में कटिंग होगी जिस शेप का आपका डिजाइन होगा। ये देखें शेप वही होगी। उसके बाद आपने इस तरह इसके कॉर्नर्स में थोड़ा सा रखकर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, इससे गले को फोल्ड करने में या जब उल्टाएंगे तब बहुत इजीली ये उलट जाता है। अब इसी तरह हम इस गले को दूसरी तरफ उल्टा लेंगे। ये देखें इस तरह आप इसको शेप एग्जैक्ट देख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है, ये जो हमने फोल्ड किया ये वो साइड इनर, और अब मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ। ये देखें कितना ये नीट और क्लीन बना है। मोड़ने वक्त आपने क्या करना है, इसको आयरन कर लीजिएगा, इस्त्री के साथ इसकी तह बैठ जाएगी तो ये और नीट बनेगा। ये देखें जी, अब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको हमारा ये डिज़ाइन और स्टाइल समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा नए स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।